हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ये आपका यूजीसी नेट पेपर टू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है और इस बार भी एग्जाम में बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे में एक बात बता दूं कि अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं तब भी आप इस क्लास को देख सकते हो, बिकॉज इंश्योरेंस इज जनरल थिंग। आपको इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज आज के टाइम पर 99% जो लोग हैं वो इंश्योरेंस करवाते हैं अपना। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे ये इनकम जनरेट करते हैं और इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए भी आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं फिर तो आपके सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस का ही पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से समझेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है इन विच एन इंडिविजुअल और अ फर्म अवेल्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। देखिए, एज एन इंडिविजुअल और एक फर्म, दोनों को रिस्क रहता है किसी ना किसी चीज को लेकर के। जैसे हमें रिस्क रहता है हमारी लाइफ को लेकर के, कि हमारी लाइफ को कुछ हो जाए कल को तो हमारी फैमिली का क्या होगा, या हमारी हेल्थ को कुछ हो जाए तो हम अपना इलाज कैसे कराएंगे। तो इस तरह के जो रिस्क है इनको हम भरपाई करना चाहते हैं, मतलब इसको हम इस रिस्क से को ओवरकम करना चाहते हैं। ऐसी कंपनी अपने रिस्क को लेकर के, जिस तरह की कंपनी रिस्क फेस करती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, यहाँ से सामान जा रहा है अमेरिका और वो जाएगा समुद्र के रास्ते से, तो ऐसे में समुद्र में डूब सकता है उनका जहाज, तो ऐसे में उनको रिस्क रहता है। तो इस तरह के जो इंश्योरेंस करवाते हैं हम लोग एज एन इंडिविजुअल और एज ए फर्म एज ए कंपनी, इसको हम इंश्योरेंस कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी एंड इंश्योरेंस इज ए पॉलिसी वेयर रीइंबर्समेंट कैन बी क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेज कॉज टू द प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड। तो गाइज, यहाँ पर रीइंबर्समेंट का एक आपका क्लॉज होता है जिसमें अगर आपको डैमेज होगा आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के, जिसको आपने इंश्योर्ड किया हुआ है, तो आप क्लेम कर सकते हो और क्लेम करने के बाद आपको रीइंबर्स कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है और आपको कोई बीमारी हो जाती है जिसमें आपके 2 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो उस केस में आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं बीमार हो गया था, मेरे 2 लाख रुपए खर्च हो गए। वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद अगर उन्हें लगेगा कि हाँ आप एक्चुअल में बीमार हुए थे, तो उसके बाद वो आपको 2 लाख रुपए रीइंबर्स कर देते हैं। तो ऐसे में आप रिस्क से, जो आपको रिस्क लगता है कि हमारे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे जो आपने सेव करके रखे हैं, तो इस तरीके से आप इस रिस्क को ओवरकम कर सकते हो। सिंपली पुट, इंश्योरेंस इज ए लीगल अग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड मतलब हम लोग हैं एज ए इंडिविजुअल और इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंश्योरेंस करती है। इन द अग्रीमेंट द इंश्योरर प्रॉमिस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ एनी कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी मतलब होता है अचानक से कोई दुर्घटना हो जाना, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाना, तो ऐसे में वो प्रॉमिस करते हैं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। सो ऑन द अदर हैंड द इंश्योर्ड पेज अ प्रीमियम इन एक्सचेंज फॉर द एश्योरेंस बाय द इंश्योरर। तो यहाँ पर बदले में हम प्रीमियम पे करते हैं ताकि हमें हमारी कंटिजेंसी, जब हम रिस्क में हो, जब हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में हमें हमें फाइनेंशियली हेल्प मिल सके। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको हम बीमा। और ये एक तरीके का अनुबंध होता है, एक अग्रीमेंट होता है जिसमें एक कंपनी एक इंश्योरर को, दैट इज एक व्यक्ति को या फिर एक फर्म को यहाँ पर इंश्योर करती है कि कोई भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम होती है तो हम आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। दिस इज सिंपल टर्म्स में जिसको हम बीमा कहते हैं। अगर हम बात करें कि बीमा की जो कंपनियां होती हैं वो पैसे कैसे अर्न करती हैं, उनकी इनकम का जरिया क्या क्या होता है, कैसे पैसे अर्न करते हैं इंश्योरेंस वाली कंपनियां। सो इनके तीन बेसिक हम इसके फंडामेंटल समझते हैं। पहला होता है इंक्रीज अंडरराइटिंग इनकम, इसको ये इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। देन डिक्रीज क्लेम्स एंड अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस, इसको ये डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इनकम, इसको ये इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से फटाफट से। तो पहला होता है इंक्रीज अंडरराइटिंग इनकम, मतलब इसका अंडरराइटिंग इनकम का मतलब ये होता है कि जो भी इन्होंने क्लेम, पब्लिक ने जो क्लेम किया वो और जो इनको पैसे रिसीव हुए थे एज ए प्रीमियम, इसके जो बीच का डिफरेंस होगा वही इनका मेन प्रॉफिट कहलाता है, वही इनकी अंडरराइटिंग इनकम कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर पांच लोगों ने मिलकर के, मैं मिस्टर ए हूँ, एक मिस्टर बी है, एक मिस्टर सी डी ई, इस तरीके से 5 लोग हैं, ठीक है, इन 5ों लोगों ने अपना इंश्योरेंस करवा के रखा था, सभी ने 5-5 लाख रुपए जो है इंश्योरेंस के पे कर रखे हैं एज ए प्रीमियम, ठीक है, तो इनके पास कितने हो गए, 25 लाख रुपए हो गए। उस 25 लाख में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बीमार हुआ जो कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए बीमार हुआ और उस मिस्टर ए को रीइंबर्स करना पड़ा इनको 8 लाख रुपए। 5 लाख का उसने इंश्योरेंस करवाया था, मतलब 5 लाख उसने प्रीमियम भरा था जिसमें 8 लाख का उसको क्लेम किया उसने, तो 8 लाख रुपए पे करने पड़ गए। अब इसके जो बीच का डिफरेंस है दैट इज 17 लाख, है ना, ऐसे होगा, 7 5 कितना होता है, ठीक है, 17 लाख हो जाएगा।
तो 17 लाख रुपए का जो है इनको प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको अंडर राइटिंग इनकम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रीमियम से इनको अमाउंट मिला है, इंश्योरेंस जो लोगों ने करवाया उससे जो अमाउंट मिला, वो प्रीमियम माइनस कर देंगे क्लेम, जितने क्लेम इनको फुलफिल करने पड़े उसके जो बीच का डिफरेंस, दैट इज द रियल इनकम। यही इनकी मेन इनकम का सोर्स होता है और इसी पे जो कंपनियां हैं रिलाई करती है, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। इसके अलावा नेक्स्ट होता है आपका डिक्रीज क्लेम। ये क्लेम को कम करने की कोशिश करते हैं, कई बार ये क्लेम को फुलफिल तक नहीं करते। अगर आपने क्लेम कर दिया कि 8 लाख रुपए आपका नुकसान हुआ है, तो उस 8 लाख में केवल 5 लाख रुपए ही आपकी भरपाई कर रहे हैं, 3 लाख की नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने इस बात को देखा कि भाई कंप्लीट जो नुकसान हुआ है वो आपका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने एक शिप आपकी जा रही है इंडिया से अमेरिका, और इसमें जो गुड्स है, जो सामान है, उसका आपने इंश्योरेंस करवा लिया जो कि 5 लाख का था, और ये जो जहाज है पानी का जहाज वो 3 लाख का है, तो आपने केवल सामान का करवाया था ना कि जहाज का। तो ऐसे में आप 8 लाख का क्लेम कर रहे हो कि नुकसान, और अगर शिप डूब गया तो आप 8 लाख का क्लेम करोगे कि सामान भी डूब गया, 3 लाख की शिप डूब गई, 8 लाख रुपए मुझे दे दो। तो इंश्योरेंस कंपनियां कहती है कि नहीं भाई, आपने सामान का क्लेम कराया था, हम 5 लाख रुपए आपको देंगे, हम पानी के जहाज जो आपका डूबा उसका क्लेम आपको नहीं देंगे। तो उस केस में यहाँ पर आपको केवल 5 लाख का क्लेम दिया जाएगा, ना कि 8 लाख का। तो ऐसे में ये क्लेम कम करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम क्लेम किया जाए, और अंडर राइटिंग एक्सपेंसिस को भी कम करने की कोशिश करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा इनको प्रॉफिट हो सके। और ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ये भी इनकी इनकम का जरिया है। जैसे आप प्रीमियम पे करोगे, तो जैसे आपने प्रीमियम पे किया तो अपने घर पे तो रखेंगे नहीं है, इस प्रीमियम को ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर देते हैं। इसके अलावा ये डिबेंचर या बॉन्ड परचेज कर लेते हैं किसी कंपनी के, या फिर कई बार ये इक्विटी तक परचेज कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक इन्वेस्टमेंट रहता है इनका, जहां से इनकी इनकम जनरेट होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है, तो जनरली ये आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका, अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो 2 टाइप का है, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है आपका जनरल इंश्योरेंस। अब इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कितने तरह का होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब आपको पता ही होगा कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आप अपनी अपने इंश्योर करना चाहते हो अपनी लाइफ। जो पॉलिसी होल्डर होता है, जो इंश्योर होता है, एंड इंश्योरेंस कंपनी आपस 2 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपस में, और इंश्योरर प्रॉमिस टू पे द डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी अ सम ऑफ मनी अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। तो अगर उसकी हेल्थ को या फिर उसकी लाइफ को कुछ होगा, तो उस केस में यहाँ पर जो पैसे हैं वो पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो ये आपका एक लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है। और जनरल इंश्योरेंस भी मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले मैं बता दूं कि लाइफ इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये आपको समझ लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो गाइज, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में आपका एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है। आप इसमें क्या होते हैं, ये आपको फुल रिस्क कवर करते हैं, और अगर आपकी डेथ हो जाएगी तो डेथ के बाद आपकी फैमिली को पैसा मिल जाता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में काफी बड़ा अमाउंट मिलता है, 1 करोड़ रुपए तक का आपको क्लेम मिल सकता है। जैसे आपने अगर 1000 रुपए महीने के हिसाब से अगर आपने ले रखा था प्लान, तो मतलब एक साल में आपको 12000 रुपए पे करने पड़ते हैं, और अगर आपकी डेथ हो जाती है अचानक से, तो उसके समय 1 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। इसको हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, ये काफी अच्छा माना जाता है, बिकॉज इससे आपकी जो फैमिली है वो काफी सिक्योर हो जाती है। होल लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसमें आपको 100 साल तक अगर आप कुछ होता है आपकी लाइफ को, तो उसमें आपको पूरा कवर मिल जाएगा, और उसके पैसे भी आपकी फैमिली को दे दिए जाते हैं। इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस काफी लोग इसको चूज करते हैं, बिकॉज ये आपको इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग का भी बेनिफिट देता है। जैसे अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ 1000-1000 रुपए करके, तो ये मुझे इंश्योरेंस तो दे रहा है, मतलब मेरी लाइफ को कुछ हो जाएगा तो पैसे तो मिलेंगे, प्लस कुछ साल बाद, जैसे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, मुझे वहां से कुछ एक मुश्त अमाउंट मिल जाएगा, लमसम में कुछ अमाउंट भी दे दिया जाएगा अगर आपने क्लेम नहीं किया तो। एक आपको वहां से कुछ अमाउंट भी वापसी मिल जाता है, 20 लाख 30 लाख इस तरीके से, तो क्लेम नहीं करोगे तब भी मिलता है। मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें ये पीरियोडिक रिटर्न आपको देते रहते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान होता है जिसमें आप सेविंग भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म आपके रिटर्न भी इससे मिलते रहते हैं। रिटायरमेंट इंश्योरेंस, आज के टाइम पर लोग रिटायरमेंट के लिए भी प्लान कर रहे हैं और इंश्योरेंस को लेकर के। यूलिप होता है जिसमें आप इंश्योरेंस कवर अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट, आप इंश्योरेंस भी, आप अपनी लाइफ को भी इंश्योर कर सकते हो और आपकी इन्वेस्टमेंट भी रहती है, मतलब आपकी प्रीमियम पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलता रहता है। इसके अलावा चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान रहते हैं जिसमें सिक्योर अपने अपने चिल्ड्रन की फ्यूचर को सिक्योर कर देते हो, लाइक उसके एजुकेशन से रिलेटेड या उसके फ्यूचर से रिलेटेड कोई इशू आएगा। एक आपका जनरल इंश्योरेंस होता है। जनरल इंश्योरेंस में अगर हम बात करें तो इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके जो भी बचेगा सब कुछ ही आपका इसके अंदर आ जाएगा। लाइफ को छोड़ करके जो भी बचेगा सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा जनरल इंश्योरेंस के अंदर। तो इसमें भी सब कुछ वही है, जो भी आपकी एसेट है जिसको आपने इंश्योर कर रखा है उसके रिलेटेड कोई रिस्क रहेगा तो उसको यहाँ पर ही कवर करते हैं, और कोई भी लॉस आएगा तो उसकी भरपाई करते हैं ये लोग। अब यहाँ पर आपका व्हीकल हो गया, फायर, थेफ्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सो ऑन, तो ट्रैवल से रिलेटेड भी होता है, मतलब इसमें लाइफ के अलावा जो भी आपका रहेगा सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। इसको सामान्य बीमा कहते हैं। ये कितने टाइप का होता है,
ये होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपका इसमें आएगा, कवर द कॉस्ट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल केयर। फायर इंश्योरेंस, अगर आपकी कंपनी में या आपके घर में आग लग जाती है तो उस केस में आपके अगर सामान जल जाएगा, प्रॉपर्टी जल जाएगी, तो उसके रिलेटेड कवर मिलता है आपको। ट्रैवल इंश्योरेंस कवर्स द फाइनेंशियल एबिलिटीज ऑफ द मेडिकल एंड नॉन मेडिकल इमरजेंसी ड्यूरिंग द ट्रैवल विद इन द आउटसाइड द कंट्री। तो यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए भी इंश्योरेंस मिलता है आपको। इसके अलावा मोटर इंश्योरेंस, जो कि हम लोग अपनी कार का कराते हैं, जैसे हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाए कार का या बाइक का, चोरी हो जाए या आग लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए, तो उससे रिलेटेड मोटर आपका भी इंश्योरेंस होता है। देन आपका होम इंश्योरेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है कि आपके घर में अगर कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ जाए, जैसे कोई भूकंप आ जाए, आपने वो फिल्म देखी होगी ना, OMG, OMG, ओ माई गॉड, जो मूवी थी ना अक्षय कुमार की, और उसमें परेश रावल जी भी थे, उसमें नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से कंपनी ने मना कर दिया था कि भाई हम आपको इसकी भरपाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये भूकंप आया गॉड ने किया, एक्ट ऑफ गॉड है ये। तो ये या तो मैन मेड डिजास्टर हो या फिर नेचुरल क्लैमिटीज हो, तो इसमें आपको कवर मिल जाता है। अब इसमें कुछ क्लॉज होते हैं, कुछ इसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसको आपको पढ़ना जरूरी होता है, नहीं तो वही OMG वाली मूवी फिर रियल लाइफ में बन जाएगी आपके साथ, जिसमें आपने इंश्योरेंस तो करवा लिया लेकिन उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया था कि अगर भूकंप आएगा तो नहीं मिलेगा, तो उस केस में फिर आपको एक्चुअल में नहीं मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं गाइज। आप ना हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करते, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इससे मैं आपको क्लासेस के लिंक देता रहता हूँ, इससे आप क्लास मिस नहीं करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यार सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, क्लास देखे चुपचाप से चले जाते हो, सब्सक्राइब कर लो, आपका फायदा है, क्लास मिस नहीं करोगे आप लोग। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आपके, है ना। और आप हमें UGC नेट मेंटोर के नाम से आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। गाइज प्रिंसिपल्स क्या है इंश्योरेंस के, ये एग्जाम की पर्पज से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब 5-स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन चुके हैं, पहले भी दोबारा बन सकते हैं। इसको हम कवर करेंगे इसी क्लास के पार्ट टू में, इसकी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी इंश्योरेंस से रिलेटेड, जिसमें हम कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्पज से है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा गाइज आप हमारी UGC नेट मेंटोर के एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, इस पे आपको कॉमर्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल ऑलरेडी करवा दिया गया है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है। तो वीडियो लेक्चर्स है यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, प्लस PDF फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, प्लस आपके यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी है, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। तो जैसे एग्जाम में आपका एग्जाम ऑनलाइन रहता है, वैसे ही सेम मॉक टेस्ट है उसी यूजर इंटरफेस के साथ, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। मैनेजमेंट आपको जल्दी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, अभी नहीं है बट फिलहाल जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इस ऐप को फटाफट से इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल फोन में, यहाँ पे आपको कॉमर्स से रिलेटेड क्रैश कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है। गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।